दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर पिछले 3 सालों से जल संकट और सूखे की मार झेल रहा है। अब शहर में सिर्फ कुछ दिन का पानी ही बचा है। इसके चलते सारे नालों से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सप्ताह में सिर्फ 2 बार नहाने और शौचालय में फ्लश के लिए टंकी के पानी का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ हर साल औसतन 508 मिलीलीटर बारिश दर्ज होती थी, जो पिछले 3 सालों में सिर्फ 153, 221 और 327 मिलीमीटर ही रह गया है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने यहाँ हर रोज पानी के निजी इस्तेमाल की सीमा 87 से 50 लीटर कर दी है और अब 10 लाख से ज्यादा घरों को पानी मिलना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ शहर में करीब 200 जल प्वाइंट बनाए जाएंगे, जहां से लोगों को 25 लीटर पानी मिलेगा। इन पॉइंट पर पुलिस और सेना के लोग तैनात रहेंगे। साथ ही अब यहां नालियों के पानी को भी रिसाइकल किया जाना शुरू होगा।